हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोहे की स्नैक्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप पोहा लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब ये अच्छे तरह से वॉश हो जाए तब ये इस तरह का हो जाएगा। और इसे हाथों से मसल कर अच्छे से मसलेंगे ताकि ये पूरा मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे दो प्याज मैंने लंबे लंबे साइज़ में कट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 कली लहसुन बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक बारीक कटी हुई। और अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 4 हरी मिर्च ली है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन बाइंडिंग के लिए। और अब इसमें ऐड करेंगे सूजी 1 टेबल स्पून। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्नैक्स है बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा कलौंजी ऐड किया है, ये 1/4 टेबल स्पून के करीब है। और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। 1/2 टेबल स्पून काला नमक और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, इसको मैंने हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसे भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च ऐड किया है, इससे टेस्ट और दोगुना हो जाएगा स्नैक्स का। थोड़ा सा हरा धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे 5 मिनट रेस्ट देंगे। 5 मिनट रेस्ट मिलने के बाद इसे हाथों से गोल गोल शेप देके, हाथों में पानी ज़रूर लगा लेंगे ताकि हाथ में चिपके ना, और किसी भी शेप में आप बना लें। मैंने इस शेप में बनाया है, राउंड शेप में। और सारे को इसी तरह बना लेंगे। मैंने यहाँ पर तेल अच्छे तरह से गर्म कर लिया है और सारे स्नैक्स को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम लो होना चाहिए। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तब दूसरी साइड से पलट कर फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फ्राई हो चुके हैं इस तरीके से। यहाँ पे सारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल इस तरीके का गोल्डन फ्राई होना चाहिए। इसी तरह मैंने सारे स्नैक्स को फ्राई कर लिया है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी रेसिपी। बाय बाय फ्रेंड्स।